जिला पदाधिकारियों के पुलिस अधीक्षक की ओर निरीक्षण एवं स्नेह स्नेह पढ़ते हुए Sadak!
आयोजित झंडोत्तोलन समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों और मुंगेर की जनमानस को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। इस पुनीत अवसर पर मैं संविधान निर्माताओं, सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना की। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व की इस नगरी में भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाने वाले नंदलाल बसु जी, भारत के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की ऐतिहासिक मुंगेर जिला के निवासी थे। ऐसे विलक्षण और यशस्वी व्यक्तित्व के व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों के अनेक पुरोधा विश्व पटल पर मुंगेर जिला का नाम स्थापित कर चुके हैं। इस क्षेत्र की जनमानस के धार्मिक समन्वयता के कारण आज जिला सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर। बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने और इसके अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया आयाम देने, जल को प्रदूषण मुक्त और संतुलित रखने, हरित आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन आरंभ किया गया है, जो वर्तमान में असंतुलित होते पर्यावरण और जल संकट की निजात की दिशा में एक बहुत कारगर पहल है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के तहत जल उपलब्धता हेतु जिले के 563 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल संरक्षण की दिशा में सार्वजनिक कुआ, चापाकल, नलकूप के समीप सोखता का निर्माण एवं इसके जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण हेतु चेक डैम। आज इस मंच से मुंगेर की जनता से मैं अपील करता हूँ कि 9 अगस्त 2020 को पूरे बिहार राज्य में एक साथ 2.5 करोड़ पौधे लगाने के राज्यव्यापी मिशन में अपनी सहभागिता निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय की सभी योजनाओं में मुंगेर जिला बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत 28,000 से अधिक युवकों को रोजगार की दिशा में सहायता उपलब्ध कराई गई है। वही सुविधा प्रदान की गई अवसर बढ़े आगे बढ़े के अंतर्गत पैरामेडिकल संस्थान, एएन स्कूल, प्रत्येक अनुमंडल में एक सरकारी आईटीआई सहित जिला में महिला आईटीआई की स्थापना हेतु कार्य किए गए हैं। पूर्व से संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिरिक्त जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय और वाणिज्य महाविद्यालय का कार्य निर्माणाधीन है, जबकि मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु विभाग को भेजा गया है। अंततः जनमानस को उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भविष्य में अंतर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा सक्रिय कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जीविका दीदियों के सहयोग से अब तक 1 लाख से अधिक परिवार को कृषि का क्षेत्र, नीला मधु एवं मशरूम उत्पादन, पशुपालन जैसे सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़कर महिलाओं का बाल विकास परियोजना के अंतर्गत गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं को आहार एवं प्रधानमंत्री खाद्य प्रबंधन योजना से अब तक 17,000 से अधिक महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है और निरंतर ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर इस संबंध में हम लोग अग्रगण कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन और अस्थि उपचार हेतु आधुनिक मशीनों का भी संस्थापन किया गया है। कृषि क्षेत्र में अब तक 1 लाख से अधिक कृषकों को विभिन्न कृषिपरक योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए निबंधन किया गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 40,000 से अधिक डीजल अनुदान में, 5,500 कृषि इनपुट अनुदान में, 11,600 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है।
साथ ही मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन इत्यादि की दिशा में भी जिला अग्रणी विशेषतः इस जिला में उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम और शहद का ब्रांडिंग कर इसको विक्रय करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मध्य सेवन के प्रतिबंध के साथ साथ दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति हेतु सरकार कुछ संकल्प है। इसी कड़ी में जल जीवन हरियाली मिशन और नशा मुक्ति के समर्थन में तथा दहेज एवं बाल विवाह के उन्मूलन हेतु 19 जनवरी 2020 के महीने में 240 किलोमीटर से अधिक की लंबी मानव श्रृंखला में हाथ से हाथ मिलाकर कतारबद्ध 8 लाख से अधिक जनवास का सहयोग इस जिला में ऐतिहासिक रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज हमारा राज्य बहुत तेजी से बदल रहा है, साथ ही अनेक चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। ऐसे में सभी नागरिकों का अपना कर्तव्य बनता है कि हम सभी राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाए एवं किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कृत्य न करें जो देश की प्रगति में बाधक सिद्ध हो। अंततः स्वाधीनता संग्राम में प्राणाहुति देकर इस देश को गणतंत्र बनाने वाले अपने देश प्रेमी पूर्वजों को नमन करते हुए आइए हम सब इस पावन अवसर पर यह संकल्प लें कि हम अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और समरसता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन में अग्रणी भूमिका निभाएं। इस समारोह को सफल बनाने में अनवरत कार्यरत सभी सहयोगियों के साथ साथ मैं यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं अन्य सभी जिलावासियों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को 71वें गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोनों पाली जाकी है, आगे निकलिए तेजी। रक्तदान का कार्यक्रम देख रहे हैं। भारत माता के हिंदू मुस्लिम चलो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना अपने कार्यक्रम को प्रदर्शित करती आज के जाति प्रतियोगिता में जिला के नाम रखा जी की
समझते हैं। ये वीडियो एनिमेशन युक्त सरल भाषा में होता है, जिसे समझना आसान है। इन वीडियो के माध्यम
विमान झंडोत्तोलन की कार्रवाई समाप्त करने का आदेश। सिपाही आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। झंडोत्तोलन की कार्रवाई समाप्त हुई, आगे का आदेश। Dane mul te chal